वही कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में एक आठवीं क्लास की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके तहत ही सिमलिया थाना के एएसआई नंद किशोर ने बताया कि ज्योति पुत्री लक्ष्मी नारायण ने अज्ञात कारणों के चलते ही अपने घर में फांसी लगाई। मृतक छात्रा के पास किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वही पुलिस इस मामले की अग्रिम जांच कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि परिवारजन ने बताया और मौके पर गया, उसके मुताबिक है कि कल दिनांक 14/4/2024 को समय 7 के करीब इसके चाचा ने बताया भवानी सुंदर कि इसके भाई लक्ष्मी नारायण की पुत्री है ज्योति उमरी 15 साल करीब, जिसने उनके मकान में ये साड़ी से फंदा लगाकर और कड़ी लटाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पुलिस की जांच के लिए उतार ली। कारण अभी परिवार के बिंदु ये पड़ती थी आठ जो परिवार घर पे कोई नहीं था, घर पे गए दादाजी थे वो मोतीलाल जी।